दक्षिणनाथ शैली के श्री रंगनाथ मंदिर में बुधवार को नंद उत्सव की धूम मची। ब्रजमंडल के प्रसिद्ध लट्ठे के मेला का ब्रजवासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। संपूर्ण परिसर रंगनाथ भगवान के उद्घोष से गुंजित हो उठा। धार्मिक नगरी में श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख श्री रंगनाथ मंदिर में वैदिक परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रोहिणी नक्षत्र व अष्टमी तिथि के सुयोग पर मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में बुधवार को मंदिर में नंद उत्सव के अंतर्गत लट्ठे का मेला भव्य तरीके से आयोजित किया गया। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते आयोजित ना होने वाले लट्ठे के मेले को लेकर इस वर्ष भक्तों में खास उत्साह देखा गया। सायकाल ठाकुर जी गोदा रंगनाथ भगवान कल्प वृक्ष पर सवार होकर मुख्य गर्भ गृह से बाहर निकले। चंबुओर ठाकुर जी की जयकार सुनाई देने लगी। मंदिर के सिंह द्वार पर सवारी के पहुंचते ही पहले से तैयार खड़े अंतर्यामी अखाड़ा दुशायत के पहलवान ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। इसके बाद करीब 40 फुट ऊंची लकड़ी के चिकने खंभे पर चढ़ने की जो आजमाइश शुरू हो गई। पहलवान जी आज रंगनाथ मंदिर में लट्ठे के मेले का आयोजन हुआ, कब से आप करते चले आ रहे हैं और यहाँ आकर के कैसी अनुभूति होती है आप लोगों को? 40 साल करीब हो गए, 40 साल से जो लगातार चले आ रहे हैं। यहाँ ऐसी लगती है कि भगवान बिल्कुल सामने है हमारे और ऐसे खेल रहे हैं हमारे संग ठाकुर जी। बिल्कुल सचमुच जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी नीचे भी हमारे संग ऊपर भी हमारे संग, जहाँ देखते हैं ठाकुर जी दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। यही हमारी परंपरा है कि ठाकुर जी अंतर्यामी महाराज की कृपा से रंगनाथ भगवान सहजी मेला हो जाता है। मंदिर प्रबंधन आप लोगों का कैसा स्वागत करता है, क्या सम्मान करता है? बहुत अच्छा सम्मान करता है, बहुत बढ़िया स्वागत करते हैं। 1151 लड़ुआ दे आपके जो है 5100 रुपया दिए हैं, लोटा दिए हैं। इस तरह की परंपरा लुप्त होती जा रही है, गायब होती जा रही है, लेकिन मंदिर आज भी जीवित किए हुए है। कितने लोग आते हैं आप? आते हैं 40 लोग। काफी मेहनत करनी पड़ती है, तेल भी ऊपर से पड़ता है, हल्दी भी है, सबमर्सिबल से मोटर से पानी इस भी डालते हैं। अगर वैसे साधारण डाल हो जाए तो एक मिनट भी नहीं चल पाए। आप देख रहे हैं एक घंटा से हमारी बरकरार, पहलवान गिर रहे हैं नीचे से, ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल चोट नहीं आई गई। जिस लट्ठे पर चढ़ते हैं उस पर भी एक महीने पहले से मेहनत की जाती है और तैयार किया जाता है। बताते हैं कि तेल मालिश करी जाती है, तरह तरह की जीरा तेल लेप चढ़ाए जाते हैं, उल्टलन तेल डालो जाए इसमें, दही कारी जीरी। एक बार बोलिए रघुनाथ भगवान की जय। जी आज लट्ठे के मेले का आयोजन किया गया, क्या परंपरा है इसकी और कब से आयोजित हो रहा है ये लट्ठा का मेला? ब्रज में नंदोत्सव के रूप में जो उत्सव मनाया जाता है, उसी क्रम में रंग मंदिर में भी ब्रज का प्रसिद्ध लट्ठा का मेला नंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसी लट्ठे पे जिसपे ये पहलवान लोग चढ़ते हैं और ऊपर से पानी गिराया जाता है इनको, इसको 15-20 दिन पहले से तैयार किया जाता है। इस पर मुल्तानी मिट्टी, साबुन, उर्द की दाल, मेथी का आटा, इस सब का लेपन किया जाता है और इसको अत्यंत चिकना करके फिर वहाँ स्थल पर गाड़ दिया जाता है। उसके बाद में 10-12 पहलवानों की टीम इस पर चढ़ती है, भगवान की सवारी निकलती है, कदम वृक्ष पर मुरली गान करते हुए वहाँ जब पश्चिम द्वार के दरवाजे पर सवारी पहुँचती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके पहलवान लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सफलता दिलवाना, हम आपको सब में शामिल हुए, हमें आशीर्वाद देना। इस तरह से फिर वो चढ़ना प्रारंभ करते हैं और मचान पे हमारे कर्मचारी जो ऊपर चढ़े हुए होते हैं, ऊपर से रंगीन पानी, अंडी का तेल, दही, फल फलारी आदि इनके ऊपर डालते हैं। उसके फलस्वरूप कई बार ये फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, फिर आखिरकार जब चढ़ जाते हैं तब फिर इनको विजय स्वरूप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह से ये मेला संपन्न होता है। आप देख रहे हैं
सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।